कि आप झूठा आरोप लगाना बंद करें, ये ना हो कि मुझे मान हानि का दावा करना पड़े आपके ऊपर। ना तो मैंने पीटी उषा जी को टच किया था, ना ही मैंने कोई गलत शब्द कहे थे। अगर है टच किया हो या गलत शब्द किए हो तो आप मुझे वीडियो दिखाएं, फोटो दिखाएं। मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ, अनुशासन में जानती हूँ, अनुशासन में रहते हुए कभी किसी के अपमान की मैंने कोई बात नहीं बोली, ना किसी का अपमान किया। ये महिला आंदोलन जीवी है, ये हर जगह पहुंच जाती है चेहरा दिखाने के लिए। ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश में जो संघर्ष करता है, जो मदद करता है लोगों की, पीड़ित लोगों की आवाज बनता है, उन लोगों को बुरा कहते हैं। लेकिन दूसरे देशों के लोग, टाइम मैगजीन जो अमेरिका की मैगजीन है, जब हम किसान आंदोलन में मातृशक्ति समर्थन कर रही थी, टाइम मैगजीन ने हमारा फोटो भी छापा, हमारे जो काम कर रहे थे, हमारे जो संघर्ष था, हमारे संघर्ष को छापा। लेकिन हमारे देश की मीडिया, अगर कोई महिला या कोई भी पुरुष कहीं संघर्ष कर रहे लोगों का साथ देता है, किसी गरीब की मदद करता है, उन लोगों को ये आंदोलन जीवी बताते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उस पत्रकार से, तेरा जो ड्यूटी बनती, क्या तू ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है? अरे उसने ड्यूटी करनी चाहिए, अगर उन्होंने ईमानदारी से एक दिन भी अपनी रिपोर्टिंग की होती तो आज इन बेटियों को 15 दिन यहाँ नहीं बैठना पड़ता। और इन बेटियों को न्याय दिलाना दूर की बात, इन बेटियों को बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ राजनीति हो रही है। कभी कहते हैं एक ही परिवार की बेटियां हैं, ये बेटियां 100% सच बोल रही हैं। इन बेटियों ने जो आरोप लगाया है वो सच आरोप है। जवाब आप और दीजिएगा उसमें, उनका ये भी था कि फंडिंग है, क्या किसी तरीके की फंडिंग होती है क्या आपको बार बार जाने के लिए? मैं तो 15 दिनों से यहाँ बैठी हुई हूँ, मैंने किसी को यहाँ फंडिंग करते हुए नहीं देखा। अगर उनको लगता तो यहाँ आए वो ही पत्रकार अपना कैमरा लेके, यहाँ सुबह से शाम तक बैठे रिकॉर्ड करे और फिर सारा वो क्या कहते हैं हिसाब दे शाम को कि कितनी फंडिंग हुई। हम यहाँ समर्थन करने आते हैं और जो लोग कहते हैं कि आगू हैं, हम कोई आगू नहीं, हमारे खिलाड़ी अगुवाई कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ उनके समर्थक बन के आते हैं। सुधीर चौधरी ने एक बहुत बड़ा सवाल और उठाया था, आपका एक उसमें क्लिप वायरल हो रहा था, बेटियों के साथ रो रही थी जिस दिन रात की घटना थी और बार बार आप उनके आंसुओं को पोंछ रही थी, तो उन्होंने क्लिप चलाया कि ये नकली माँ है, ये बबीता और तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी माँ नहीं है। अरे इतनी सच्चाई बतानी क्या हो सकता है, माँ माँ होती है, औरत खड़ी है, उसे कष्ट हुआ, रो रही है। अगर किसी की बेटियां, जब ये बेटियां रो रही थी तो टीवी पर देखने वालों के भी आंसू आ रहे थे। हाँ। तो जब मेरे सामने दो बेटियां और वो भी भारत का गौरव, और वो बेटियां कांप रही थी, आपने देखा होगा जिस चीज ने टीवी देखा हो, दोनों बेटियां इतनी घबराई हुई थी। थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी, पुलिस ने गंदी गंदी गालियां दी थी उन बेटियों को। उन बेटियों ने कभी सोचा नहीं था कि जो सुरक्षा कर्मी यहाँ खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वो हमारे ऊपर धक्का मारेंगे। पुलिस के जो पुरुष थे उन्होंने उनके ऊपर धक्का मारा था। तो मैं जब वो दोनों बेटियां रो रही थी तो मैं उनको संभालने की कोशिश कर रही थी, मैं उनको हिम्मत दे रही थी कि पूरा भारत तुम्हारे साथ है, तुम रो मत। लेकिन वो बेटियां इतना फूट फूट के रो रही थी कि उनको संभालते हुए भी मैं भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। और उसी के बीच में हमारे पीछे की साइड, आपने देखा होगा, मैं बार बार पीछे देख रही थी मैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई महिला थी ना कोई पुरुष था, सिर्फ ये बच्चे थे, खिलाड़ी थे। तो मैं दोनों बेटियों को उनके कंधे पे संभाल भी रही थी कि बेटा रो मत। और हमारे पीछे एक भाई जिसका सिर फूटा हुआ था, उसके सिर से खून निकल रहा था, राहुल यादव, और मैं बीच बीच में मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मैं दोनों बेटियों को पकड़ के खड़ी थी और बार बार उनको बोल रही थी कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि वो भाई बार बार बेहोश हो रहा था। रोना आपका तो नगवारा गुजर गया ना सुधीर जी को, अच्छा नहीं लगा उनको, रो रही है, ये तो आंदोलन जीवी नहीं। अगर किसी के दुख में किसी को रोते हुए देख के आपको आंसू आ गए तो कोई गुनाह है क्या? उनके नजर में गुनाह है तो सजा दिलाइए ना, करवाइए ना केस। कौन सा केस बनता, कौन सी धारा बनती है? अगर किसी का दुख देख के अगर किसी महिला के आंख में आंसू आ गए तो हमारा तो दिल ऐसा है भाई, हमारे तो आंसू जल्दी आ जाते हैं, वो पत्थर दिल होंगे जिनके आंसू नहीं आ रहे। लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, क्या वह महिला सांसद नहीं है, क्या वह महिला विधायक नहीं है जो इस पे बोल नहीं रही है? देखिए हरियाणा खट्टर सरकार की मैं बात करूं, 4 महीने हो गए, संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं हरियाणा के, उनके ऊपर एक महिला कोच ने आरोप लगाया था, खट्टर सरकार उसको बचा रही है, मंत्री को बचा रही है। और कल बात कर रहे थे यहाँ की, कोई बात कर रहा था कि दिल्ली का, तो खट्टर साहब पीछा छुड़ा रहे, नहीं नहीं वो केंद्र की बात है, मैं उसके बारे में नहीं बोला। मान लिया ये केंद्र का ये केस है,
कम से कम जो संदीप सिंह के ऊपर लगा खट्टर साहब उसकी तो जांच करवा दीजिए। 4 महीने से आप अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बेचारी पीड़िता वो दर दर के ठोकरे खा रही है। उस दिन एक घटना और घटी थी, उसकी भी बार बार क्लिप चल रही थी कि जब उस दिन पीटी उषा यहाँ पर आई थी समर्थन देने, एक बाइट आपकी चलाई जा रही कि आपके पास से गुजर रही है और आप चंद शब्द कह रही है कि बेटियों के सम्मान में इतना लेट क्यों, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है कि देखो देखो ये आंदोलन जीवी महिला ने अपमान कर दिया, पीटी उषा का भगा दिया दौड़ा दिया। जिन्होंने जो झूठे आरोप लगाए हैं कि मैंने पीटी उषा का अपमान किया या पीटी उषा को धक्के मारे या गलत मतलब गालियां दी, उनके ऊपर मैं मान हानि का दावा भी का केस भी कर सकती हूँ। क्योंकि मैं जब इतने नेशनल चैनल वहाँ खड़े हुए थे, इतनी सारी पुलिस खड़ी हुई थी और पीटी उषा जी के साथ एक ऑफिसर आए थे वो भी वहीं खड़े थे, एक महिला उनके साथ आई थी वो भी वहीं खड़ी थी, मैंने ना तो कोई उनके साथ गाली गलौज किया ना उनको टच किया। जितना दूर आप है इतनी दूर मैं खड़ी हुई थी और मेरा पहला सवाल था पीटी उषा जी से, मैडम जब आप मेडल लाए थे तो पूरे देश ने आपका सम्मान किया था। दूसरा मेरा सवाल था 2-3 दिन पहले आपने मैडम इन आंदोलन के बारे में जो बोला उससे महिला सम्मान महिला पूरे समाज का अपमान हुआ है। मेरा तीसरा सवाल था आप एक महिला होते हुए महिलाओं का अपमान क्यों किया, मेरे 3 ही सवाल थे। इसके अलावा मैं दावा करती हूँ कि कोई भी एक भी शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ बता दीजिए या मैं उन पर कहीं टच कर रही हूँ वो बता दीजिए। मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ, अनुशासन में जानती हूँ, अनुशासन में रहते हुए कभी किसी के अपमान की मैंने कोई बात नहीं बोली ना किसी का अपमान किया। तो जो लोग जानबूझ के देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं अगर पीटी उषा का अपमान किया, हम क्यों अपमान करेंगे, क्योंकि वो भी भारत की बेटी है, उसने भी भारत का गौरव बढ़ाया। तो इन 3 सवालों के अलावा अगर मैंने कोई शब्द बोला हो तो मेरे सामने लाके दिखाएं। आपको लगता है मैडम कि मीडिया जानबूझ करके ट्रैप लगा रही है और आपको फंसा रही है? तो हम फंसने वाले नहीं है, सच को कितने दिन दबाओगे आप? जो सच की लड़ाई लड़ता है, जो सच बोलता है उसके साथ ऊपर वाला होता है। तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्लिप दिखाएं जहां पे मैंने उनको टच किया हो या मैंने कोई अपशब्द कहे हो। एक आखिरी सवाल लूंगा, लंबा हो गया, भावुक हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि आंसुओं पर रोटी सेकी जाए। बिल्कुल 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 नहीं सेकना चाहिए, महिला महिला के सम्मान में आई है, हम भी सम्मान करते हैं। मैं भी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी मेरे जो आंसू है ना ये मुझे कंट्रोल करने के बाद भी जो रुक नहीं पा रहे हैं, तो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे आंसुओं का मेरी कमजोरी ना समझे, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। आप जो मीडिया से यही कहना चाहूंगी कि आप झूठा आरोप लगाना बंद करें, ये ना हो कि मुझे मान हानि का दावा करना पड़े आपके ऊपर। ना तो मैंने पीटी उषा जी को टच किया था, ना ही मैंने कोई गलत शब्द कहे थे। अगर है टच किया हो या गलत शब्द किए हो तो आप मुझे वीडियो दिखाएं, फोटो दिखाएं। जो मैंने अभी आप सबके सामने बोला सिर्फ वो 3 शब्द किए थे। आप चाहे पीटी उषा मैम से बात कर सकते हैं, पूछिए कि क्या उस मैडम ने उस महिला ने आपको टच किया था, क्या आप शब्द कहे थे। उनके साथ एक ऑफिसर भी थे, एक महिला भी उनके साथ आई थी। नहीं, उनको जो कहना है कहे, मेरा जो दिल करेगा वो मैं काम करूंगी, मेरा दिल जानता है कि मैं सच के साथ खड़ी हूँ। सुधीर चौधरी के लिए मैडम एक आपका जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि वार्ता ही उन्हीं से शुरू हुई थी, क्यों ना हम खुल के कहें कि हाँ हम आंदोलन जीवी है, अगर सच के लिए लड़ना आंदोलन जीवी है तो हम आंदोलन जीवी स्वीकार करते हैं। मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, किसी पीड़िता की मदद करना, उसका साथ देना आंदोलन जीवी है, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। लेकिन मैं बिकने वाली नहीं हूँ, जैसे वो बिकी हुई खबर दिखाते हैं, झूठ फैला रहे हैं, देश में जहर घोल रहे हैं, नफरत का जहर कौन घोल रहा है देश में, मीडिया वाले। तो सबसे पहले देशद्रोह का केस मीडिया वालों पे होना चाहिए जो नफरत का जहर। देश के मान सम्मान में अगर अगला कोई और बड़ा आंदोलन होता है देश में तो ये चेहरा दिखेगा, कहीं अगर उसे दिखेगा। अगर मुझे लगा वो आंदोलन सच है, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि वहाँ जो लड़ाई चल रही है वो सत्य के साथ है, मैं सच के साथ हमेशा खड़ी मिलूंगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हर जगह जहाँ सच की लड़ाई लड़ी जा रही होगी। आंदोलन देश में बहुत होते हैं, तो मैंने आपने मेरे को 3 ही आंदोलन में क्यों देखा आंदोलन। अगर देश के सैनिकों की विधवाओं को न्याय दिलाने के लिए अगर मैं 810 दिन रिले कर सकती हूँ, एक टाइम खाना खा सकती हूँ लगातार, सुबह से लेकर शाम तक भूख हड़ताल करके रात को एक टाइम खाना खाती थी, और ये 2.25 साल तक लगातार ऐसा चला, होली दिवाली मेरी ये मंच पे बनी, 3 करवा चौथ थी जिसमें पानी की बूंद भी नहीं पीनी थी, तब भी मैं फौजी भाइयों के बीच में सुबह से शाम तक बिना पानी की बूंद पिए 3 करवा चौथ में मैं यहाँ बैठी हुई थी।